हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है नए वीडियो में। वीडियो को पूरा देख लेना और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। एक लाल रंग वाला छोटा सा व्यक्ति है जिसके सिर के ऊपर सिंह लगे हैं, जो आपके कंधे के ऊपर सवार रहते हुए आपको पाप करने के लिए मजबूर कर देता है, जिसकी बुराई के लिए उकता देता है। बाइबल हमें बताती है स्पष्ट रूप से कि शैतान एक वह हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है। बाइबल हमें बताती है कि शैतान एक स्वर्गदूत के रूप में रचा गया था, जो अपने पद के कारण वह पाप करने के कारण परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया था, और अब वह पूरी तरह से परमेश्वर के विरोध में रहते हुए परमेश्वर के लोगों को असफल कर रहा है अपनी शक्ति के द्वारा। जिस दुनिया में हम आज रह रहे हैं, उस दुनिया में बहुत सारी अंधकार की शक्तियाँ भी हैं जिसे परमेश्वर ने स्वर्ग से गिरा दिया था। आज हम सोचते हैं कि जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं वे लोग खुश रहते हैं और उनके जीवन में किसी भी बात की घटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि शैतान ने इसलिए आज़ादी देता है कि वे सच्चे परमेश्वर के पास जाने ना पाए। शैतान ने इसलिए छूट देता है, मगर जो शैतान की पूजा करते हैं वह उन्हें स्वर्ग नहीं दे सकता है, क्योंकि यीशु ने कहा था स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, यीशु मसीह को दिया गया है। क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको स्वर्ग दे सकता है, क्योंकि शैतान के वश में कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने शैतान को एक पवित्र स्वर्गदूत के रूप में रचा था। यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय के 12 वचन में लिखा हुआ है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जात जात को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिरा दिया गया है? परमेश्वर ने शैतान लूसीफर को एक पवित्र स्वर्गदूत के रूप में बनाया था, वह परमेश्वर का स्वर्गदूत था। यहेजकेल की पुस्तक में लिखा हुआ है 28 अध्याय के 14 वचन में, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था, तू आग चमकने वाले मड़ियों के बीच में चलता फिरता था। परमेश्वर ने उसे एक करूब के रूप में रचा था जो स्वर्गदूत कहलाता है, जो सभी स्वर्गदूतों से बड़ा था, विशाल था। वह अपनी सुंदरता के कारण घमंड करने लगा था, और वो शैतान लूसीफर परमेश्वर से ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होना चाहता था। यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय के 13 और 14 वचन में लिखा हुआ है, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारा गणों से भी अधिक ऊंचा उठाऊंगा और उत्तर दिशा की छोर से उस सभी पर्वत पर विराजूंगा। शैतान एक करूब के रूप में रचा गया था। वह अपने मन में सोचता था कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचे सिंहासन पर बैठूंगा। वह सोचता था कि मैं सभी पर्वत पर चढ़ूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों में चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। शैतान लूसीफर अपने मन में सोचता था कि मैं स्वर्ग में ऊंचे ऊंचे मेघों पर चढ़ूंगा, परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। वह शैतान था कि मैं परमेश्वर के सिंहासन पर बैठूंगा, और परमेश्वर ने उसे और उसके पाप के कारण उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ था, इसलिए परमेश्वर ने उसे और उसकी सारी सेना को स्वर्ग से फेंक दिया था इस पृथ्वी पर। और अब वह शैतान इस संसार का हाकिम बन गया है। वह एक राजकुमार की तरह मूर्तियों में बैठ गया है और आज उसकी पूजा कर रहा है, और आज सारा का सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है जिसे परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे गिरा दिया था। और वही सारी शैतानी दुष्ट आत्माएं बन गई हैं जो हर एक मसीही को पाप में गिराने के लिए जाती हैं। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 10 वचन में लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। फिर मैंने स्वर्ग से यह कहते बड़ा शब्द आते सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का बलियाल प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था वह गिरा दिया गया है। यूहन्ना देख रहा है दर्शन के द्वारा, क्योंकि सारी प्रकाशित वाक्य यूहन्ना ने लिखी है दर्शनों के द्वारा। शैतान अब इस संसार का हाकिम और हवा की तरह शक्ति का राजकुमार बन गया है। स्वर्ग में शैतान एक दूसरे के ऊपर दोष लगाया करता था, और उस शैतान को परमेश्वर ने स्वर्ग से गिरा दिया था, और वही शैतान हमें परीक्षा में डालता है। से प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 3 वचन में लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए, और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया गया, उस पर मुहर कर दी गई कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जात जात के लोगों को फिर भरमाने ना पाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। उसका नाम ही शत्रु है, या वह जो विरोध करता है। उसका एक और पद इबलीस है, जिसका अर्थ है निंदा करने वाला, और उस स्वर्गदूत ने उसको बांध कर अथाह कुंड में डाल देगा और उस पर 1000 वर्ष के लिए मुहर कर दिया जाएगा।
ताकि वह हम सभी को फिर दोबारा भरमाने न पाए, पाप में गिराने न पाए। अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाएगा। देखिए, परमेश्वर ने शैतान को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था, यानी उसे स्वर्ग से नीचे फेंक दिया था इस पृथ्वी पर, परंतु शैतान अभी भी वो अपने सिंहासन को परमेश्वर के ऊपर लाना चाहता है। जो कुछ परमेश्वर करता है उस सब की नकल शैतान करता है कि वह यह सोचता है कि संसार की आराधना प्राप्त कर लेगा, और शैतान सोचता है कि परमेश्वर के विरोध में सभी लोगों को उत्साहित करता है अपनी शक्ति के द्वारा। शैतान ही सभी इस तरह की झूठी शिक्षाओं और संसार के धर्मों के पीछे अंतिम स्रोत है। शैतान परमेश्वर के विरोध में अपनी शक्ति से सब कुछ करेगा, फिर भी शैतान आग की झील में डाल दिया जाएगा। अनंत काल के लिए उसके ऊपर मुहर कर दिया जाएगा 1000 वर्ष के लिए। प्रकाशित वाक्य 20:10 में लिखा हुआ है, और उनका भरमाने वाला शैतान जो हम सभी को भरमाता है वह आग और गंधक की झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे जब परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा श्वेत सिंहासन के सामने। इसलिए अपना समय प्रार्थना में बिताओ। रैप्चर कभी भी हो सकता है, किसी घड़ी भी हो सकता है, यहाँ छूट मत जाना। अगर जो कोई यहाँ छूट जाएगा तो उसे दोबारा लेने के लिए कोई भी नहीं आएगा। इसलिए यीशु ने कहा था, तुम जागते रहना और प्रार्थना करते रहना, मैं किसी दिन भी आ सकता हूँ। तुम्हारा मन कहीं जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए, बस तुम तैयार रहना, मैं किसी भी समय आ सकता हूँ। जैसा नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जब लोग घर बनाते होंगे, शादी ब्याह होती होंगी, तब तक उनको जल प्रलय बहाकर न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। अगर आप यहाँ कोई छूट जाएगा तो उसका क्या हाल होगा? पहले तो 7 साल तक इस पृथ्वी पर मसीह विरोधी तड़पाएगा। जितनी मोहरें खुलती जाएंगी उतने ही हाहाकार इस पृथ्वी पर मचता जाएगा। और उसके बाद जब परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा, तब जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना पाया जाएगा, तो उसे स्वर्गदूत घसीट कर खींच तान कर नर्क में फेंक देंगे, जहाँ पर कीड़े आपके शरीर से नोच नोच के काटेंगे और आग भी जलाएगी। इसलिए यीशु ने कहा था, आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। बचा लो अपने आपको नर्क जाने से। मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की।